हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका जे मोटिवेशन में। दोस्तों आज मैं यहां पे नई वैकेंसी के साथ बात करने वाला हूं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट 2018 की, यानी FRI देहरादून के बारे में। दोस्तों आज हम यहां पे बात करने वाले हैं, जहां पर कि दोस्तों देहरादून की ये लोकेशन है और दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नेम दी जा रही है आपको लोअर डिविजन क्लर्क, MTS, टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, फॉरेस्ट गार्ड एंड वेरियस पोस्ट के टोटल यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे FRI देहरादून के लिए ये वैकेंसी है, यानी इसकी लोकेशन जो रहने वाली है वो है उत्तराखंड जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग डेट रहने वाली है 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 21 अप्रैल 2018 तक। ये जो है दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी दोस्तों आपका स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल है और लास्ट डेट आपका जो है 21 अप्रैल यहाँ पे दी जा रही है। अब एडमिट कार्ड की बात कर ले तो वो दोस्तों आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका जो है लास्ट में जो है आपको यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट भी आपको जो है नोटिफाइड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू। दोस्तों एप्लीकेशन फीस की मैं यहाँ पे बात करूँ, जनरल प्लस ओबीसी के लिए 300 रुपए रहने वाली है, ST SC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे 100 रुपए रहने वाली है। वुमेन कैटेगरी के लिए भी दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपए रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस सेम दोस्तों आप जो है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जॉब लोकेशन की यहाँ पे मैं बात करूंगा, जॉब लोकेशन यहाँ पे उत्तराखंड देहरादून, और दोस्तों उत्तराखंड का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दोस्तों एज लिमिट मैं बात करूँ, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे दी जा रही है। टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 साल दी जा रही है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल, स्टोर कीपर के लिए 18 से 27, ड्राइवर ऑर्डिनरी के लिए दोस्तों यहाँ पे 18 से 27 साल, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 साल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 18 से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट दी जा रही है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ, 98 पोस्टों पे ये भर्ती है, यानी 98 पोस्ट पे टोटल यहाँ पे भर्ती दी जा रही है। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी की, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी की जा रही है, तो LDC के लिए यहाँ पे 19 पोस्ट है, MTS के लिए दोस्तों यहाँ पे 15 पोस्ट है, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन हो गया, AMO हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, टोटली जो है 10 पोस्ट यहाँ पे दी जा रही है। टेक्नीशियन फील्ड और लैब रिसर्च के लिए दोस्तों यहाँ पे 45 पोस्ट दी जा रही है, जो कि इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ 3 पोस्ट, स्टोर कीपर की बात करूँ 1 पोस्ट, ड्राइवर ऑर्डिनरी की बात करूँ 3 पोस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ तो 2 पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाली है। दोस्तों पे स्केल की मैं बात करूँ तो 6 पे कमीशन के हिसाब से दोस्तों आपके यहाँ पे स्केल दी जा रही, जो कि होती है 5500 से लेकर के 20200 तक यहाँ पे आपको पे कमीशन दिया जाएगा या पे स्केल आपकी यहाँ पे निर्धारित की गई है। दोस्तों पे स्केल के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो LDC के लिए यहाँ पे जो अप्लाई करेगा उसके पास 10+2 और दोस्तों यहाँ पे मस्ट कंपल्सरी है टाइपिंग, जो कि अगर आप टाइपराइटर में करते हैं दोस्तों टाइपिंग, तो उसमें दोस्तों आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। बट अगर आप जो है कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड करते हैं तो दोस्तों इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको कंप्यूटर में LDC के लिए होना कंपलसरी है। MTS की बात करें तो 10th पास आपके पास होना चाहिए MTS के लिए। टेक्नीशियन की बात करें तो 10th पास प्लस ITI आपके यहाँ पे मांगा गया है रेवलेंट ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन से आपके पास टेक्नीशियन के लिए या फिर ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर प्लम्बर से करते हो तो प्लम्बर का आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए। जिस भी रेवलेंट ट्रेड से आप करते हैं उसका आपके पास ITI होना चाहिए 10th के साथ। टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन फील्ड और लैब रिसर्च के लिए बात करें तो 10+2 साइंस, यानी साइंस से आपका 10+2 होना चाहिए विद 60% मार्क्स से आपका किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, यानी BSc आपको मांगा गया है साइंस से, BSc मांगा गया है यानी PCM से। दोस्तों स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, ड्राइवर ऑर्डिनरी के लिए आपके पास 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए बात करूँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे 10th पास चाहिए आपको और सर्टिफिकेट चाहिए इन फायर फाइटिंग के लिए, फायर फाइटिंग के आपके पास यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। हाउ टू अप्लाई की बात करूँ दोस्तों, की FRI के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करेंगे दोस्तों डिटेल भर करके, ऑफिशियल वेबसाइट जो है FRI की वो मैं आपको लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के जो है अप्लाई कर सकते हैं टोटल। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट जो रहने वाली है अप्लाई ऑनलाइन दोस्तों एप्लीकेशन की, वो है 21 अप्रैल 2018 से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट जो आपको इसमें चाहिए दोस्तों वो है फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप जो लगाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर फाइनल मार्क्स
सिंसियर क्वालिफिकेशन जो आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे लगेगा दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे होना कंपलसरी है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट जो पीडब्ल्यू वाले या फिर कोई भी कैंडिडेट के पास होता है वो यहाँ पे कर सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करो दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम बेस पर ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, आपका रिटर्न बेस रिटर्न जो एग्जाम होगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो है दोस्तों यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट में खास बात बता दूं दोस्तों, फोटोग्राफ से आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो है स्कैन करना होगा, सिग्नेचर भी आपको ऑनलाइन स्कैन करना होगा, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट का जो है आपको डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है वो आपको लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा था मैं FRI की, यानी FRI देहरादून के अंदर जो है दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी जारी की गई है, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों FRI इंस्टीट्यूट में दोस्तों ये बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं इस समय, तो आप जो है 21 अप्रैल से पहले पहले इसको अप्लाई जरूर करें। और दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है और समझ आता है दोस्तों तो प्लीज आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।